हुआ बंदू? वो आ तो कुछ भी नहीं। फिर चिल्ला रहा था किस लिए? इसलिए कि टाइम हो गया गाड़ी का और इसी गाड़ी से आ रहे हैं द्वारका बाबू। कौन? अपना द्वारका आने वाला इस गाड़ी से? ओ मेरे बाप के बाप। अरे बाबू, वही अपना गांव, वही स्टेशन मास्टर द्वारका, वही पोर्टर रामू और वही अपना बंधु। छोटे मालिक, मेरे छोटे मालिक अब डॉक्टर बन गए। डॉक्टर द्वारका ना, गुड न्यूज। हमारे नए असिस्टेंट। थैंक यू। मोदी, अबे गधे, ये तेरे छोटे मालिक हाँक रहे हैं तुझे। ठाट से चल जरा, ठाट से, नहीं तो। द्वारका बाबू, इस पुराने खुसट को घर पहुंचते ही कोई दवा दे देना। इसके लिए किसी दूसरे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा बंधु। मैं घोड़ों को दवा देना नहीं जानता। बस घोड़ों को ठीक नहीं कर सकते तो आदमियों को कैसे ठीक करोगे? तुम्हारी डॉक्टरी कैसे चलेगी यहाँ? बंधु, मैं यहाँ डॉक्टरी नहीं करने वाला। यहाँ नहीं, अपने शोलापुर में नहीं? नहीं, शोलापुर में नहीं, अपने देश में भी नहीं। तो कहाँ? कहीं और, दूर देश में। वो किसके? अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारे हिंदुस्तान के लिए। वो भी कोई जिंदगी होगी मालिक। हाँ, वो जिंदगी जिंदगी होगी बंधु। जिंदगी 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 जिंदगी, कोई सपना नहीं जिंदगी, कोई सपना नहीं जिंदगी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, घर में छुपना नहीं, हो घर में छुपना नहीं। आओ मैदान में देश के ध्यान में, काम करते चलो नाम करते चलो, काम करते चलो नाम करते चलो। नाम करने का ही नाम है जिंदगी जिंदगी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, कोई सपना नहीं जिंदगी। आगे बढ़ते चलो ऊंचे चढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो ऊंचे चढ़ते चलो। गाओ वीरों के गीत, गाओ वीरों के गीत, कर लो हिम्मत से पीत, कर लो हिम्मत से पीत, होगी इससे ही जीत। कर लो हिम्मत से पीत, होगी इससे ही जीत। जीत पाने का ही नाम है जिंदगी जिंदगी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, कोई सपना नहीं जिंदगी। सीना ताने हुए दिल में ठाने हुए, सीना ताने
हुए दिल में ठाने हुए जाके सेवा करे। जाके सेवा करे कुछ करे या मरे हाँ करे या मरे देश पर जान दे। जान देने का ही नाम है जिंदगी ऐसी कुर्बानी का नाम है जिंदगी 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 कोई सपना नहीं जिंदगी। माँ मैं आ गया। और क्या? जीता रहे मेरे बच्चे। चल पहले कुछ खा पी ले। अच्छा लड्डू। ओ मेरी माँ देखूं तो मुंह सूख गया है मेरे लाल का। मैं चंगा भला हूँ माँ, तुम्हें यूं ही वहम हो रहा है। मगर पिताजी कहाँ हैं? वो घर में नहीं है, शहर को गए हैं। शहर को? हाँ तुझे वहीं बुलाया है। किस लिए? मैं ना बताऊंगी, तू आप ही देख लीजिए चलकर। द्वारका भैया द्वारका भैया। द्वारका भैया ये लकड़ी बड़ी अच्छी है, मैं ले लूं? नहीं नहीं ला मुझे दे। दे मैं बंबई से लाया हूँ पिताजी के लिए। पिताजी के लिए। जीते रहो बेटा, ये आपके लिए लाया हूं। अच्छी है मगर मेरे बुढ़ापे की असली लकड़ी तो तुम हो बेटा। डॉक्टर द्वारकानाथ एस कोटनिस। पिताजी हाँ हाँ, सिर्फ ये बोर्ड ही नहीं बल्कि तुम्हारे दवाखाने का सब सामान तैयार कर रखा है हमने। अब तुम्हारी अपनी देर है डॉक्टरी शुरू करने की। मगर पिताजी पहले एक बार देख तो दो सब कुछ बेटे। ये है बीमारों के इंतजार करने का कमरा। माँ आओ। ये तुम्हारा कमरा। द्वारका ऑपरेशन कमरा। पिताजी आप मायूस तो जरूर होंगे मगर मैं यहां डॉक्टरी नहीं करूंगा। यहां डॉक्टरी नहीं करोगे तो फिर कहां? मुझे चीन जाना है लड़ाई पर। लड़ाई पर? फौजी डॉक्टर बनके? हां पिताजी मैंने वचन दिया है। अभी तक वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। कल बंबई में मैं आजाद मैदान से गुजर रहा था, वहां हजारों आदमी जमा थे। उनके दरमियान खड़े हुए हमारे एक नेता जोश भरी आवाज से कह रहे थे, बहनों और भाइयों, जापान ने चीन पर जो जो जुल्म ढाए हैं उनसे आप बेखबर नहीं। जरा सोचो
कि उस दुखी चीन की जिसके लाखों अनाथों और विधवाओं की कलेजा तोड़ देने वाली चीख पुकार से दुनिया कांप उठी, धरती थर्रा कर रह गई। उस पड़ोसी मुल्क की मदद करना क्या हमारा फर्ज नहीं? लोगों ने जोश से जवाब दिया, तो आओ मेरे प्यारे भाइयों, हम सब मिलकर उस दुखी देश की सेवा करें। जहां तक बन पड़े कई एक सेवक दवाइयां और मदद का जरूरी सामान वहां भेजकर अपना फर्ज अदा करें, अपनी हमदर्दी का सबूत दें। इसके साथ ही लोगों ने हजारों रुपए चंदे के तौर पर दे दिए। उस पर नेता ने फिर दर्द भरी आवाज से कहना शुरू किया, बड़ी अच्छी बात है कि आप हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, मगर प्यारे भाइयों, हमें सामान और रुपए से भी कहीं ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है। क्या आप लोगों में कोई ऐसे डॉक्टर मौजूद है जो अपने पड़ोसी मुल्क के करोड़ों जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ाई के मैदान में चीन जाने को तैयार हो? हजारों के हजारों चुपचाप और खामोश रह गए। एक सन्नाटा सा छा गया। उस पर नेता ने फिर आवाज बुलंद की, है कोई ऐसा देशभक्त? और मैंने कहा, हाँ। आपका नाम? द्वारकानाथ कोटनीस। द्वारकानाथ कोटनीस। आपका शहर? शोलापुर। शोलापुर। डॉक्टर द्वारकानाथ? पिताजी, आप गुमसुम क्यों हैं? क्या आप मेरे जाने में राजी नहीं? पिताजी, आप जरूर किसी बात की चिंता कर रहे हैं। मैं मालूम करके रहूंगा। क्या पुत्र का पिता पर इतना अधिकार भी नहीं? जरूर है, लेकिन बाप का बेटे पर ज्यादा हक हुआ करता है, मानते हो ना? तो जाओ, चीन जाने की तैयारी करो। पिताजी, सचमुच? क्या आप खुशी से आज्ञा दे रहे हैं? मैंने ठीक किया है ना? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। धन्य हो पिताजी, ऐसा पिता और किसे नसीब होगा। चल हट परे, ये लाड प्यार अपनी माँ को जा दिखा। माँ! पिताजी, इनसे मिलिए। ये हैं मेरे साथी, हमारे मेडिकल मिशन के दूसरे डॉक्टर। आप हैं हम सबके लीडर डॉक्टर अटल, लखनऊ से। डॉक्टर चोलकर, नागपुर से। डॉक्टर बसु और डॉक्टर मुखर्जी, आप दोनों कलकत्ते से आए हैं। मैं आप सब से मिलकर बहुत खुश हुआ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा एक बेटा नहीं बल्कि 5 बेटे लड़ाई पर जा रहे हैं। भगवान आप सबकी रक्षा करें। द्वारका भैया, माँ तुम्हें बुला रही है। माँ,
घी के चिराग जलाने का बहुत शौक है तुम्हें। इसी में माँ की ममता है बेटा। भगवान करे तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा और तुम बहुत जल्द मन की मुराद पाकर घर वापस आओ। मैं ये आरती लिए तुम्हारी राह देखती रहूंगी। मेरा द्वारका को। हाँ हाँ ठीक समय याद दिलाया। द्वारका बेटा, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं बल्कि अपने देश के आबरू का नगीना है। ये अंगूठी हमारी याद के साथ तुम्हें इस बात की भी याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारे देश की इज्जत तुम्हारे हाथ है। जिस काम के लिए वह तुम छोड़कर जा रहे हो उसे पूरा करके ही वापस आओ। साहब, चार महीने हो गए वतन छोड़े हुए, हमें घर वालों के खत पत्र कोई नहीं मिले अब तक। घर की याद सताने लगी तुम सबको। बेकार बैठने से यही होता है। चलो और कुछ नहीं तो इन बक्सों की देखभाल कर डाले। इनमें तो दवाइयां ही दवाइयां भरी हैं और क्या मिलेगा देखने से। शायद कोई उदासी दूर करने की दवा मिल जाए। अरे वाह, ये तो बड़े मजे की दवा है। क्या है? हम भी तो देखें। ये लो। छोड़ा मोरा देश सावन आया बरखाने सावन आया बरखाने आया दुसहरा आए दीवाने आया दुसहरा आए दीवाने आए दीवाने मौसम एक एक आए जाए एक तुम हो जा करना आए एक तुम हो जा करना आए भूल गए क्या
पी हरवा करे छोड़ा मोरा देश, पी हरवा करे छोड़ा मोरा देश, परदेसी रे कहे छोड़ा मोरा देश, परदेसी रे कहे छोड़ा मोरा देश। मालूम होता है कि हम हिंदुस्तान में हैं। चिपकाओ चिपकाओ दुश्मनों के बम्बार, हमारे हमले से बचो। डॉक्टर, तुम यहाँ जाने बचाने आए हो, गवाने नहीं आए। मुझे रोके नहीं जरा, सुनते नहीं उन बच्चों की चीख पुकार, मैं उन्हें बचा के रहूंगा। मैं कहता हूँ ठहरो। आपने मेरी जान बचा ली जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक काम के लिए भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण करे। मालूम होता है आपको हिंदुस्तान से काफी दिलचस्पी है। क्यों ना हो बेटे, मैंने 10 साल गुजारे हैं तुम्हारे प्यारे मुल्क में घूमते फिरते। लोग मुझे आवारा कहते हैं, आवारा वाऊंग। आवारा नहीं, हमारा वाऊंग, काका वाऊंग। मैं आज से आपको काका वाऊंग कहूंगा। मेरा नाम है कोटनीस, द्वारका कोटनीस। प्यारा नाम है द्वारका, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। हजारों साल पहले हिंदुस्तान ने गौतम का संदेशा भेजा था हमारी बेचैन आत्माओं को शांति देने, अब कि तुम्हें भेजा है हिंदुस्तान ने चीन के घायल शरीर को सुख पहुंचाने। कितने अच्छे हो द्वारका, तुम्हारे माता पिता बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें भगवान ने तुम जैसा बेटा दिया। मेरे माता पिता, आहा, डाक, हिंदुस्तान से डाक, हम लोगों के घरों से खत पत्र। डॉक्टर अकल, मुखर्जी, डॉक्टर चोलकर, क्या बात है द्वारका? मेरे पिताजी, स्वर्गवासी हो गए।
द्वारका, जिनको संभालो, दुख बर्दाश्त करने की कोशिश करो। न जाने माता जी का क्या हाल होगा। हमारी राय में तुम्हें हिंदुस्तान वापस चले जाना चाहिए। इस मौके पर तुम्हारे लिए माता जी के पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, मुझे जाना ही चाहिए। मैं अभी जाकर तुम्हारे सफर का इंतजाम करता हूं। मुखर्जी, बसु, तुम लोग द्वारका का सामान तैयार कर रखो। ये सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं बल्कि अपने देश के आबरू का नगीना है। ये अंगूठी हमारी याद के साथ तुम्हें इस बात की भी याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारे देश की इज्जत तुम्हारे हाथ है। जिस काम के लिए वतन छोड़कर जा रहे हो उसे पूरा करके ही वापस आना। चलो द्वारका, जल्दी से खाना खा लो, शायद डॉक्टर अटल के लौटते ही तुम्हें जाना पड़े। मुझे नहीं जाना है बसु। नहीं जाना? हिंदुस्तान वापस नहीं जाना? सब इंतजाम हो गए द्वारका, अब देर न करो। मगर द्वारका कह रहा है इसे हिंदुस्तान वापस नहीं जाना है। हाँ डॉक्टर, मेरा फर्ज मुझे आपके साथ यहां रहने पर मजबूर करता है। मगर द्वारका, तुम्हारी माता निराश होंगी। नहीं अटल साहब, अगर मैं अपना काम अधूरा छोड़कर चला गया तब वो निराश होंगी और पिताजी की आत्मा को भी दुख होगा। मेरे नजदीक लड़ाई के मैदान से भागकर माता के आंचल का साया ढूंढना एक भारत सपूत का कर्तव्य नहीं। अपने देश की आन पर जान देने के बदले उसकी सेवा से जी चुराना वीरता नहीं, वीरता के नाम को बट्टा लगाना है। मैंने अपने माता पिता को जिस काम का वचन दिया था वो पूरा करके ही घर वापस जाऊंगा। आपको लड़ाई पर उत्तर चीन भिजवाने का फैसला हुआ है, ये लीजिए सफर का नक्शा। शुक्रिया। मैं आपके साथ एक नौजवान को रवाना कर रहा हूं, वो यनान तक आपका साथ देगा। वहां से उसे किसी और जगह जाना है। होशियार लड़का है, छोटे दर्जे की डॉक्टरी पास कर चुका है। आचिंग, कहां है वो? आचिंग, आचिंग तुमने देर कर दी। हाँ साहब। इन्हें जानते हो? नहीं साहब। चीन के दोस्त? हाँ साहब। हिंदुस्तानी डॉक्टर? नहीं साहब। हाँ साहब। फिर कब मिलोगे काका? जरूर मिलूंगा, आखिर को आवारा हूँ, आवारा बोंग। आचिंग अंदर जल्दी, आराम से बैठो, काफी जगह है। नजदीक आओ, घबराते क्यों हो? सफर में छोटे बड़े सब बराबर होते हैं भाई। आचिंग
कहां से लाए हो ये लड़कियों जैसे हाथ? वाह, अच्छा हाथ है तुम्हारा। तुम्हें बीवी भी अच्छी मिलेगी। नहीं साहब। हैं? हाँ साहब। हाँ साहब। हाँ साहब, नहीं साहब, आखिर तुम्हें बीवी चाहिए या नहीं? क्यों मुंह बनाता है, जरा हंस के दिखा, हंस के। हम लोगों के गरीला राज में आपका आना मुबारक। मैं आप सबका बड़ी खुशी से स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ अपने ठिकाने पर चलिए। अरे आचिंग कहाँ है? आचिंग, साईचंद, तुम जा रही हो क्या? हाँ साहब, साईचंद, 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 साईचंद नहीं, नमस्ते। क्या? नमस्ते, 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 नमस्ते। सुनो बसु, मेहरबान काका वांग, हम यनान में 6 महीने रहकर इस जगह उत्तर चीन में आ गए हैं। डॉक्टर चोलकर और डॉक्टर मुखर्जी यनान पहुंचते ही बीमार हो गए थे और हिंदुस्तान वापस जाने पर मजबूर किए गए थे। आज डॉक्टर अटल भी बहुत बीमार हो जाने की वजह से हिंदुस्तान रवाना हो रहे हैं। मुझे और डॉक्टर बसु को भी यहाँ से आगे जाकर अलग अलग गेरिला फौजी मोर्चों पर काम करने का हुक्म हुआ है। और अब खत्म भी करो द्वारका, डॉक्टर अटल के जाने का वक्त हो गया है। अच्छा भाई, अच्छा, ये लो बाकी फिर द्वारका। अटल साहब, कितने अफसोस की बात है कि आज मैं भी बीमार होकर वतन वापस जा रहा हूं। बसु, द्वारका, आज से हमारे मिशन का काम तुम दोनों के हाथ है। नमस्ते। नमस्ते। बसु, अब हम दोनों की बारी है एक दूसरे से विदा होने की। मैं तुम्हें बराबर खत लिखा करूंगा, जवाब देते रहना द्वारका। जरूर। देखो, लड़ाई खत्म होने पर चुपके से न चल देना वतन को, मुझे अकेला छोड़कर। अच्छा, समय बीत रहा है, रास्ता देखा नहीं और मंजिलें हैं दूर दूर। इस वक्त गेरिलों के सेनापति जनरल फांग कहां होंगे? जब से आया हूं उनसे मिलना ही नहीं हुआ। आइए मैं ले चलूं। इस वक्त वो अपनी गुफा में हैं, अपने पुराने जख्मों की मरहम पट्टी करा रहे हैं। अच्छा चलो। Thank you.
जयनगर साहब कहाँ हैं? देखिए ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। ए! रेल के आने से पहले पहले लाइन उखेड़ डालो। देखो दुश्मन इस गाड़ी में बहुत सा लड़ाई का सामान और हथियार लिए जा रहे हैं। माफ करना जनरल। ठहरो भाई। ओ आप हिंदुस्तानी डॉक्टर हैं? ओ माफ करना। आपका नाम डॉक्टर? द्वारकानाथ कोटनीस। डॉक्टर कोटनीस, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जनरल पट्टी बंधा लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अजय ठहरो भाई, तुम्हारे पास बंदूकें थोड़ी हैं, मगर ये तो हैं, इन्हीं से दुश्मनों को ढेर कर देंगे। शाबाश शाबाश बहादुरो। जनरल जब तक आप ठहरेंगे नहीं पट्टी कैसे बंधेगी? मैं नहीं ठहर सकता, रहने दो पट्टी फट्टी। शाबाश बहादुरो, आज अच्छा शिकार मार रहा है, इन पर सख्त पहरा रखना, ये जापानी दरिंदे कहीं भाग न जाए। ए, इधर देखो। आप देखिए जनरल और सुनिए, जिस तरह यहाँ की गरेला फौज की देखभाल आपके जिम्मे है, उसी तरह आप सब लोगों की तंदुरुस्ती का फर्ज मेरे जिम्मे है। क्यों नहीं डॉक्टर। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के जहान की जान आप हैं, इसलिए आपको हमेशा अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, आप ठीक कहते हैं। आइए यहाँ का अस्पताल देख लीजिए अपना। पिछले एक महीने से हम डॉक्टर के बगैर ही अस्पताल चलाते रहे हैं। अजीब बात है ना। अब आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। देखो ये हैं तुम्हारे नए डॉक्टर। डॉक्टर कोटनीस। डॉक्टर कोटनीस। हे बच्चो ठहरो। कितने जख्मी हैं ऑपरेशन के लिए? लिस्ट कहाँ है? जल्दी लाओ लिस्ट। कौन? आचिंग, तुम यहां कैसे? मैं हूं आपका असिस्टेंट। बड़ी अच्छी बात है, चलो तैयारी करो। अब मेरे हाथ धुला दो। क्या कर रहे हो? चलो भी। अरे तुम लड़के हो हैं? तो ये मर्दाना भेस किस लिए? दुश्मनों से बचने के लिए। असली नाम क्या है तुम्हारा? चिंगलान। चिंगलान? और वतन? पेकिंग। पेकिंग छोड़ने का सबब? हाथ धो लीजिए। सफर में तुमने हम लोगों को खूब बनाया। साबुन।
वो लड़कियों जैसे नाजुक हाथ थे ही एक लड़की के। और कुछ? कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? मेरा मतलब है अब तुम क्या करोगी? आपको रास्ता दिखाऊंगी। चलिए। कहाँ? जहाँ आप रहते हैं वहाँ। अच्छा, चिंगान, क्यों, क्या हुआ? ये रही आपकी गुफा। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे? ये मेरी गुफा नहीं, किसी और की होगी। अब क्या करे कोई। अंदर आओ, चाय पी के अपनी गुफा को जाना। आचिंग, नमस्ते। 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 कैसा जमाना है, आजकल लड़की को लड़का बनते देर नहीं लगती। गुण बिन नाहि आवत चैन। चिंगलान, चिंगलान, चिंगलान। हाँ डॉक्टर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कल से तुमने मुझे उलझन में डाल रखा है। तुम्हें क्या हुआ है कि पल भर में तुम्हारे होठों पर हंसी खेलने लगती है और पल भर में तुम्हारी सूरत मुरझाए हुए फूल की तरह उदास हो जाती है? आखिर ये भेद क्या है? मेरी बातों का सीधे मुंह से जवाब क्यों नहीं देती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारा ऐसा बर्ताव क्यों है? क्या इसलिए कि मैं यहां का रहने वाला नहीं, परदेशी हूं, हिंदुस्तानी हूं? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा ना कहो, मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। मगर मुझे इस बात का डर था कि कहीं मुझ दुखिया के दुख की कहानी तुम्हें भी बेचैन न कर दे। जो भयानक नजारा मेरी आंखों ने देखा है, जब कभी उसका ख्याल करती हूँ मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी हंसी रुक जाती है। माफ करना चिंगलान, मैं फिर कभी कोई बात तुमसे न पूछूंगा। नहीं, अब जी चाहता है कि तुम्हारे हमदर्द कानों को अपनी कहानी सुना ही दूं। मैं न्यानकिंग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी सीखती थी। न्यानकिंग में दुश्मनों के जुल्मों सितम की सबको खबर है। वो खूनी मैदान जिसमें शैतानों ने निहत्थे नौजवानों को चुन चुन कर गाजर मूली की तरह काट फेंका, बूढ़े बीमारों को बूटों की एड़ियों तले कुचल दिया, गर्भवती औरतों के गले घोट डाले, बेजबान बच्चों को हवा में उछाल उछाल कर संगीनों की नोकों से मार गिराया, उन हजारों के साथ मेरे माँ बाप भाई बहनों को भी दुष्टों ने एक एक कर मौत के घाट उतारा। न जाने कुदरत ने मुझे क्यों बचने दिया। मेरे लिए मरना आसान था, जीना मुश्किल हो गया। मैं अकेली जान भेस बदल कर
से छिपाती, कदम कदम पर मुसीबतें उठाती, किसी न किसी तरह बचकर यहां आ पहुंची अपने देश की सेवा करने। चिंगलाल, तुम बड़ी बहादुर लड़की हो। इतनी मुसीबतों का मुकाबला करना किसी मर्द के लिए भी मुश्किल था। फिर भी मेरे दुख दर्द से कहीं ज्यादा मेरे मुल्क के दूसरे लोगों की दुर्दशा है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? उनकी तकलीफ कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। हम डॉक्टरों का सबसे बड़ा फर्ज यही है। सच है डॉक्टर, हम उन लोगों की तकलीफ कम करेंगे, उन्हें सुख पहुंचाएंगे। निमन हो, तुम बहुत अच्छे हो। डॉक्टर, ये तो मेरे मतलब की चीज है। जनरल, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो ऑपरेशन की कैंची है। हाँ, मैं भी तो ऑपरेशन ही कर रहा हूँ इन मरीज मूछों का। जनरल, आपने क्यों ये जंजाल पाल रखा है? सफाचट कर डालिए ना। सफाचट? ओ नहीं नहीं, कभी नहीं। मूछे न होंगी तो मुझे जनरल कहेगा कौन? क्या हम छा लाल चाय? शक्कर? जी नहीं, चीनी चाय में शक्कर की क्या जरूरत? तुम्हें नहीं मालूम हम हिंदुस्तान वाले शक्कर को चीनी कहते हैं। जब भी तो तुम्हारी बातों में मिठास है। नीचा चिठाओ यार, अब लगे छेड़ने। तुम्हें मेरे से और कोई बात नहीं सूझती? तुम्हारी बात न करूं तो और किसकी बात करूं? कोई इधर उधर की बात करो। इधर उधर की बात? उधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। अच्छा तो आओ इस चायदानी की बात करें। आए इस सुंदर संसार की प्यारी प्यारी पुतली, तेरे कुंदन बदन में है अमृत, तेरे गुलाबी मुंह में है खुशबू, तू है तन को गर्माती, मन को ठंडक पहुंचाती, तेरी रग रग और नस नस। बस बस, क्या दिन दिहाड़े सपने देख रहे हो? भला कौन है तुम्हारे सपनों की रानी? कोई नई नवीली दुल्हन या चायदानी? जबान पर है ये और ध्यान में है वो। बड़ी प्यारी धुन गुनगुना रही हो, कौन सा गाना है? यह है चीनी दुल्हन का गाना। चीनी दुल्हन का गाना? हाँ। तो मैं जरूर सुनूंगा। अगर मैं न सुनाऊं तो मैं यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। तो चले जाना। आओ बा, स्वे पहनने बा। नामा वह चौला।
खुश हो जा रे दुल्हन तेरे घर, तेरा धन तेरा सपना तेरा अपना घर आया 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 झम 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 हाँ खिल खिल जाए मन का चमन नई दुल्हन नई दुल्हन मैं हूँ नंदी नई दुल्हन हो मां वही है जो रातों को नींद में आता था जब सारे सो जाते मुझको आन जगाता था आया चांद मेरा चांद शान लिए आन लिए आया चांद मेरा चांद आया छम 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 हाँ खुशी खुशी से नाचे दुल्हन नाचे दुल्हन नई दुल्हन नई दुल्हन मैं हूँ नंदी नई दुल्हन मैं हूँ नंदी नई दुल्हन किस्मत ने तुम्हें पेकिंग से और मुझे हिंदुस्तान से जो यहां ला मिलाया है इसमें कोई भेद जरूर होगा इसके सिवा और क्या हो सकता है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिले और तुम्हें एक असिस्टेंट बस इतना ही मेरे लिए यही बहुत है नमस्ते द्वारका कौन काका वांग कब आए काका आज ही और थक गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते आइए काका चिंगला ये हमारे बड़े पुराने दोस्त काका वांग काका ये है चिंगला मेरी असिस्टेंट बड़ी अच्छी है तुम्हारी असिस्टेंट बड़ी अच्छी है चलो काका चले चाय चैन चाय चैन चाय चैन कहो काका कैसे रहे अपना सारा हाल बताओ मैं तो सारा हाल बता ही दूंगा पहले तुम ये बताओ कि चिंगलान से बात पक्की कर ली है या नहीं बात कौन सी बात कैसी बात यही कि चिंगलान तुमसे ब्याह करेगी कमाल करते हो काका मैं कहता हूँ कि मेरा मतलब है कि अभी उसकी मेरी जान पहचान भी नहीं पूरी पूरी और न जाने वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं कागज के 101 दिए जिस चीज को नहीं देख सकते वो बिजली की जरा सी चमक में नजर आ जाती है उसकी आंखों की झलक कह रही थी कि वो तुम्हें चाहती है अच्छा काका यूं ही से पूछ लूंगा कभी बेटा जहां दिल को दिल से रहा हो वहां दिल पे हाथ रखे फिरना ठीक नहीं देर न करो नहीं तो वक्त बहती हुई नदी की तरह आगे निकल जाएगा जाओ आज ही बल्कि अभी पूछ कर आओ अच्छा काका अच्छा काका अच्छा काका ये क्यों नहीं हुआ जी मैं फिर आ गया क्या बात है चिंगला कौन थे ये लोग नाराज मालूम होते थे यूं ही मुझसे मिलने आए थे पड़ोस वाले गांव के बड़े बुजुर्ग हैं काका वांग भी बड़े बुजुर्ग हैं चुंकिंग के मुझ पे बहुत मेहरबान है कहते थे तुमने चिंगलान से पूछा है या नहीं मैंने भी हंसी हंसी में उनसे कहा अभी पूछ के आता हूं
मगर चिंगला, आते आते मैंने ये सोचा, इसमें हंसी की बात ही क्या है? आखिर मुझे एक ना एक दिन कहना ही है, तो आज ही सही। चिंगलान, इसे दिल लगे ना समझना। चिंगलान, मैं सचमुच पूछने आया हूं, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? जवाब दो चिंग, क्या तुम मुझसे? माफ कीजिए डॉक्टर, आप मुझे समझे नहीं। क्यों नहीं समझा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं? नहीं नहीं, ये बात नहीं डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कभी ब्याह करूंगी ही नहीं, मैं मजबूर हूँ। तो हमारी दोस्ती, हमारी बातें, मुलाकातें, उम्मीदें, वो सब कुछ एक बड़ी भारी भूल थी। हमें सिर्फ अस्पताल के काम से वास्ता रखना चाहिए था। बहुत अच्छा, तुम बुरा मान गए, नाराज हो गए। डॉक्टर, चिंगली, डॉक्टर अभी तक नाराज हूं मुझसे। साबुन, मैं सिर्फ मजबूर थी और अब भी मजबूर हूं। पानी, तरह से बोलने चालने में तो कोई हर्ज नहीं। टॉवल, डॉक्टर हम यूं भी दोस्त रह सकते हैं, हमें सिर्फ अस्पताल के काम से वास्ता रखना चाहिए। जनरल ने हुक्म दिया है कि आप फौरन उनके सामने हाजिर हो। अच्छा, डॉक्टर तुम्हारे खिलाफ शिकायत लाए हैं ये लोग, क्या बात है? मैं भी आपसे यही सवाल करता हूं कि ये क्या बात है, मुझे कैदियों की तरह यहां क्यों लाया गया है? पहले मेरी बात का जवाब दो डॉक्टर, क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो? हां, मगर मगर कुछ नहीं जानता मैं। क्यों जी, तुम डॉक्टर से मोहब्बत करते हो? जवाब दो। हाँ, लेकिन सच तो? सच झूठ मैं नहीं जानता। देखा जनरल, इतने बेशरम है दोनों कि इन्होंने अपना कसूर भी मान लिया। खामोश,
दोनों अपराधी अपना अपना कसूर मान चुके, अब इन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि जनरल इसमें चिंगलान का कोई दोष नहीं, मैं अकेला अपराधी हूँ। नहीं जनरल, डॉक्टर बिल्कुल निर्दोष है, अगर दोष है तो सिर्फ मेरा। ओहो, इससे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों को एक दूसरे से बड़ी भयानक मोहब्बत है, इसलिए मैं इन्हें बड़ी भारी सजा देता हूँ। मैं इन्हें बड़ी भारी सजा देता हूँ कि ये दोनों इश्क और मोहब्बत में अपना वक्त गंवाते फिरे और 3 दिन के अंदर अंदर शादी कर लें। नाराज होने की कोई बात नहीं, जनरल के फैसले का मतलब यह है कि चिंगलान और डॉक्टर द्वारका की शादी चीन और हिंदुस्तान के संबंध की एक खूबसूरत और प्यारी यादगार बन जाए। जनरल द्वारका, चीनी लिबास में कितने अच्छे दिखते हो तुम। जरा उधर भी देखो। चिंगलान बहुत खूबसूरत, बिल्कुल हिंदुस्तानी दुल्हन। चीज को जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है तुम्हारे हवाले करता हूं। कैसी शुभ शादी है जिसने दो दिल, दो हाथ और दो मुल्क एक कर दिए। माताजी भी तुम्हें देख रही होती इस समय। मैं पसंद आऊंगी उन्हें, क्या वो मुझे देखकर खुश होंगी? क्यों नहीं, तुम्हें देखकर तो खुशी भी खुश हो जाए।
चिंगलान, तुम भी हमेशा खुश रहो, यही मेरी तमन्ना है। लड़ाई के मैदान में खुशी की घड़ियां भूले भटके ही आती हैं। ओह तोयला, मैं भूल गई। हैं? ये क्या कर रही हो? ये एक चीनी रस्म है। शादी के बाद चीनी दुल्हन को ऐसा करना ही चाहिए। मगर तुम तो हिंदुस्तानी दुल्हन हो। तो फिर हिंदुस्तानी दुल्हन को क्या करना चाहिए? वो एक ऐसी रस्म है जो जरूर पूरी करनी चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं? तो बताओ वो ऐसी कौन सी रस्म है? ठहरो। हाँ, पुरानी किताबों में यही लिखा है कि दूल्हा इस तरह बैठता है जैसे मैं बैठा हूं, और दुल्हन हाँ, दूल्हा से एक बालिश के फासले पर, जहां और अगर फासला कम हो जाए तो कोई डर नहीं। फिर दूल्हा दुल्हन के गले में अपना दायां हाथ डालकर उसका दायां हाथ थाम लेता है। और फिर? फिर तो जरा सी बात है, दूल्हा अपने हाथ से, बाएं हाथ से, दूल्हा अपने बाएं हाथ से दुल्हन का मुंह ऊंचा कर देता है और आप आगे को बढ़ता है और आगे बढ़ता है। चलो हटो, बातों से घातों पर उतर आए, नीचांग से थाओ यहाँ। तुम्हें उठकर न जाना चाहिए, हिंदुस्तानी दुल्हन कभी ऐसा नहीं करती। मगर चीनी दुल्हन ऐसा करती है। फिर कभी न बैठूंगी तुम्हारे पास, चली जाऊंगी यहाँ से। बुलाओगे तो भी ना आऊंगी। है बुलाते भी नहीं। अच्छा तो मैं सचमुच चली। हाओ बा वाचंग बचाओला। दुश्मनों के हवाई जहाज बम गिरा रहे हैं, खबरदार। द्वारका, मुझसे वादा करो कि सदा मेरे साथ रहोगे। हाँ जी, तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ। डॉक्टर, 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 रात की बमबारी से साफ जाहिर है कि दुश्मन को हमारे इस मोर्चे का पता लग गया है। अब वो हमारे गुफाएं उड़ा कर रहेंगे, इसलिए हमें फौरन यहां से कूच करना चाहिए। और जल्दी तैयार हो जाओ। इसी तरह कई महीनों से चलते ही जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों मीलों का सफर तय कर चुके हैं। दुश्मन कहीं टिकने भी नहीं देते। एक दफा हम उनकी लाइन के पीछे लुंगशान पहाड़ी तक जा पहुंचे तो फिर
सोच रहे हो द्वारका? सिंह, अपने मरीजों में एक नई बीमारी फैल रही है, फोड़े की तरह। अगर ये ज्यादा फैल गई तो इसका नतीजा निहायत खौफनाक होगा। ये तीनों उसी फोड़े वाली बीमारी से मरे हैं जी। ठहरो, फिर वही जालिम फोड़ा। चिंग, स्लाइड देना, मुझे इस फोड़े के मवाद का स्लाइड तैयार करके माइक्रोस्कोप से देखना है। मैं हैरान हूं कि कैसी बीमारी है। ये जालिम फोड़ा, ये मेरी टांग काट दो। ये जालिम यही करना चाहिए। क्या द्वारका? मैं इस फोड़े का मवाद अपने जिस्म दाखिल करूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि मेरी तबीयत पर इसके जहर का कैसा असर होता है। फिर इलाज मालूम करना आसान हो जाएगा। क्यों, कैसा ख्याल है द्वारका? न जाने ये कैसा जहर है, तुम्हारी तबीयत पर इसका क्या असर हो, इसमें तुम्हारी जान का खतरा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कभी न करने दूंगी। क्यों नहीं द्वारका? खबरदार, दुश्मनों के हवाई जहाज, दुश्मनों के हवाई जहाज आ रहे हैं, खबरदार। तुम अपनी जिद पूरी करके रहे।
हजार तरह की दवाइयां आजमा चुके। अब की बार ये नई दवा जरूर कारगर साबित होगी। अच्छा हो रहा है, नई दवा कारगर साबित हुई। मिल गया, मिल गया, सालिम फोड़े का इलाज मिल गया। और मिला नंबर नौ, मिला नंबर नौ। लावली, तुम्हारे फोड़े का क्या हाल है, कैसे हो? शुक्रिया कोर्ट मिस डॉक्टर, अब हम बहुत अच्छे हैं, सब के सब। बड़ी अच्छी बात है। देखूं तुम्हारा फोड़ा? बहुत अच्छा। चिंग, एक और पट्टी ले आना। चिंग, क्या हुआ? चिंग बीमार हो गया? डॉक्टर बने फिरते हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं लगता क्या? तुम मां बनने वाली हो तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी फौज में एक नन्ना सिपाही भर्ती होने वाला है। नन्ना सिपाही नहीं, नन्ना डॉक्टर। हाँ, नन्ना डॉक्टर। नन्ना नहीं, बड़ा, बहुत बड़ा डॉक्टर। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। हमराइयो, यह है वो बहादुर जिसने हमारे देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां की। यह है वो बहादुर जिसने अपनी जान पर खेलकर खूनी फोड़े का इलाज मालूम किया। यह है वो बहादुर जिसने सैकड़ों मरीजों की जानें बचाई। डॉक्टर द्वारका कोटनी, डॉक्टर द्वारका, तुम सिर्फ हिंदुस्तान ही की सपूत नहीं बल्कि हमारे देश की भी सपूत हो। आज से हम तुम्हें चीन के आंखों का तारा कहकर पुकारा करेंगे। शुक्रिया। चिंगो हाइस, चिंगो हाइस, चिंगो हाइस, चिंगो हाइस।
जनरल, दुश्मन की एक काफी बड़ी फौज हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही है। ये बात है, तब तो हमें आगे बढ़कर उसका मुकाबला करना ही चाहिए। द्वारका, जानते हो ये क्या था? मिर्गी का दौरा। अब तुम्हें खबरदार रहना चाहिए, मिर्गी एक भयानक बीमारी है। बेटा, अफसोस कि तुम अपनी सेहत खो बैठे। कोई चिंता ना करो काका, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। चलो चलें। डॉक्टर, दुश्मन की एक बहुत बड़ी फौज हमारी तरफ चली आ रही है। मैं सब मर्दों को साथ लेकर यहां से उनकी तरफ जाता हूं। तुम औरतों, बच्चों और जख्मियों को साथ लेकर लूनछान पहाड़ी पर चले जाना, देर न करना। लेकिन जनरल, मैं आपके साथ रहूं तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कड़ी मुहिम पर मेरा वहां होना ज्यादा जरूरी होगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो डॉक्टर, मगर तुम यहीं रहो, जख्मियों को यहीं भेजा जाएगा। बहुत अच्छा। सिंगलान, मेरी बहादुर बच्ची, औरतों और जख्मियों को साथ लेकर लूनछान पहाड़ी पर अभी रवाना हो जाओ। जी। अच्छा, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। तुम्हारी जीत हो जनरल। सुन इन छंकों, मुझे तुम्हारी चिंता है। इस हालत में पहाड़ी रास्ते की तकलीफ क्यों कर बर्दाश्त करोगी? मेरी चिंता ना करो, अपना ख्याल रखना द्वारका। और जख्मी सिपाही, दुश्मन, रुक जाओ, रख दो पिस्तौल हाथों पर। तुम चीनी नहीं मालूम होते, कौन हो तुम? मैं हिंदुस्तानी डॉक्टर हूं। यहां क्या करने आए हो? तुम शैतानों की करतूत देखने। शायद यह हमारे किसी काम आ सके।
इसे अपने हेडक्वार्टर नानकिंग को ले चलो। चलो जा रहना, शायद बाहर आए। मर गया, अब उसकी लाश बाहर आएगी। चलो चलें। शान पहाड़ी यहां से कितनी दूर है? सैकड़ों मील, कई महीनों का रास्ता है। मगर अपनी हालत को देखो, कैसे पहुंचोगे वहां? जिंदगी से हाथ धो बैठे हो क्या? मेरी जिंदगी और मेरा फर्ज लुंगशान पहाड़ी पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है? क्या है काका? ऐ नहीं हुआ है नन्ना डॉक्टर। सच? कहाँ है वो? सामने अपनी गुफा में। वारका।
चिंग, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुम्हारे पास जीता जागता वापस आ गया हूं। देखो, इसे देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं अभी आता हूं लौटकर, जरा मिला हूं सब लोगों से। प्यारे प्यारे प्यारे
बेटी, भलाई इसी में है कि अब द्वारका को काम करने से रोक दिया जाए। मगर वो सुनते कब हैं किसी की? जब तक उनके सामने जख्मी मौजूद हैं, वो काम करने पर तुले ही रहेंगे। जब ही तो मैंने कहा था कि उसे साथ लेकर हिंदुस्तान चले जाओ, मगर वो तुम्हारी भी तो नहीं सुनता। अच्छा, जनरल को लड़ाई से वापस आने दो, उनसे कहूंगा, शायद उनकी बात मान जाए द्वारका। डॉक्टर! डॉक्टर! शोर न करो, डॉक्टर बीमार है, उसे सोने दो। मगर जनरल, जनरल पूरी तरह से घायल हुए हैं। क्या करना चाहिए? उन्हें बचाना चाहिए, उनके बगैर हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्या कर रहे हो? कहाँ जाना चाहते हो? सुना नहीं, जनरल बुरी तरह से घायल हुए हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मगर द्वारका, तुम अपनी जान की फिक्र करो। तो जनरल का इलाज कौन करेगा? मेरे सिवा है कोई दूसरा डॉक्टर यहाँ? क्या इतने बड़े जनरल की जान न बचाऊं और अपनी जान की फिक्र किए जाऊं? कभी नहीं। जानती हो इस मुल्क के लिए जनरल की जान क्या है? चीन की जीत, चीन की आजादी। चलो ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर, 3 गोलियों के निशान हैं, 2 बाएं बाजू में और 1 गहरा छाती में। Thank you.
ऑपरेशन कामयाब हुआ, जनरल की जान बच गई। ऑपरेशन कामयाब हुआ, जनरल की जान बच गई। साबुन, हाथ धुलो द्वारका। सिंह, याद है वो दिन अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बिल्कुल इसी तरह तुम और मैं। काका! आज कैसा मनहूस दिन है। इधर द्वारका की हालत खराब है, उधर हिंदुस्तान से बुरी खबर आई है। क्या है काका? कुछ नहीं, हिंदुस्तान का जिक्र कर रहे थे ना? हाँ, जापानियों ने हिंदुस्तान पर भी हमला कर दिया है। काश कि आज मैं हिंदुस्तान में होता। काका, मैं हिंदुस्तान चला जाऊं? जरूर बेटे, लेकिन चीन की इस कठिन घड़ी में चीन वालों से मुंह मोड़ना बेवफाई तो न होगी? हरगिज नहीं, बल्कि चीन वाले खुद चाहेंगे कि तुम वहां जाकर अपने देश की सेवा करो। अच्छा, एक बात और बताओ काका, क्या चीन मेरे साथ जाएगी? उसे अपना देश छोड़ते हुए दुख तो न होगा? आखिर वो तुम्हारी पत्नी है बेटा, अब तुम्हारा देश उसका देश भी तो है। तब तो हम हिंदुस्तान जाएंगे। सफर का इंतजाम हो सकेगा ना? क्यों नहीं, मैं अभी इंतजाम करके आता हूं। हम हिंदुस्तान जाएंगे, हम हिंदुस्तान जाएंगे। तुम दोनों को देख सकूं। चिंग जी, हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? नहीं, कहीं नहीं। हाँ, अब तुम्हें खुश होना चाहिए, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। चिंग, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। देखो वो, देखो उसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां,
बलखाती हुई नदियां, हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव, बिल्कुल तुम्हारे चीन जैसे। और देखो ये है अपना गांव। गाड़ी रुक गई, बच्चे को संभाल कर उतरना। तुम्हारे नए देश की जमीन पर यह पहला कदम है तुम्हारा। देखो वो है अपने स्टेशन मास्टर, वही उनके असिस्टेंट, वही रामू पोर्टर, ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। मुझे बचपन से जानते हैं। और देखो ये है अपना बंदू, वही उसका पुराना तांगा और घोड़ा, ये हमें घर ले चलेगा। जल्दी बंदू, हमें जल्दी ले चलो। माताजी आरती लिए हमारी राह देखती होंगी। हाँ चिंगलान, ये है तुम्हारा नया घर। घबराओ नहीं, अंदर चलो। माँ माँ, हम आ गए। ये है तुम्हारी बहू और ये अपना नन्ना। हम अपने घर आ गए, हम अपने घर आ गए। द्वारका अब भी जिंदा है बेटी। नेक आदमी कभी नहीं मरते, वो मरकर अमर हो जाते हैं। जी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? हाँ, अब तुम्हें खुश होना चाहिए। हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। देखो ये है अपना गांव। गाड़ी रुक गई, बच्चे को संभाल कर उतरना। तुम्हारे नए देश की जमीन पर यह पहला कदम है तुम्हारा। देखो वो है अपने स्टेशन मास्टर, वही उनके असिस्टेंट, वही रामू पोर्टर, ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। और देखो ये है अपना बंदू, वही उसका पुराना तांगा और घोड़ा, ये हमें घर ले चलेगा। जल्दी बंदू, हमें जल्दी ले चलो। माताजी आरती लिए हमारी राह देखती होंगी। हाँ चिंगलान, ये है तुम्हारा नया घर। घबराओ नहीं, अंदर चलो। माँ माँ, हम आ गए। ये है तुम्हारी बहू और ये अपना नन्ना। हम अपने घर आ गए।
द्वारका, मेरा द्वारका। कुछ करे या मरे, हाँ करे या मरे।